डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पैराबोला को समझेंगे, माने पैराबोला का ग्राफ कैसे बनाएंगे ये हम लोग को सोचना है। तो इसको सोचने के लिए पहले हम लोग को डेफिनेशन को जानना जरूरी है। तो डेफिनेशन क्या है ना, पैराबोला एक मूविंग पॉइंट का लोकस है जो इस तरह से मूव करेगा कि एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन ये दोनों से बराबर दूरी बनाते हुए, हरदम इक्वल डिस्टेंस बनाते हुए ये मूव करेगा। माने ऐसा पॉइंट मूव करेगा कि हमारा इससे डिस्टेंस और ये लाइन से डिस्टेंस हरदम इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमारा ये मूव करता है तो हम लोग देखते हैं कि इसका फिगर इस तरह से बनता है। ओके, इस तरह से बनता है, यह हमारा पैराबोला का ग्राफ है जिसमें क्या है ना, ये फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस इक्वल होगा, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगा। ये हमारा फोकस हम लोग इसको कहेंगे, ये फिक्स्ड पॉइंट को फोकस कहेंगे, एस से डिनोट करते हैं। और ये फिक्स्ड लाइन जो है, इस लाइन का नाम हम लोग डायरेक्ट्रिक्स देंगे। ओके, यानी डेफिनेशन क्लियर करो, पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट व्हिच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड फोकस, एंड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज इक्वल। तो ये एक पॉइंट ऐसा मूव करेगा कि हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी और फिक्स्ड लाइन से दूरी बराबर होगा, और फिक्स्ड पॉइंट को फोकस कहेंगे, फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। क्लियर हो गया, ये फोकस को हम लोग समझे, डायरेक्ट्रिक्स समझे। अब हमारा इसका एक्सिस क्या है ना, डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर और पासिंग थ्रू फोकस, ये हमारा कहलाता है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ओके, और एक्सिस ऑफ द पैराबोला जहां काटता है पैराबोला को उसका नाम है वर्टेक्स। ओके, एक्सिस ऑफ द पैराबोला जहां पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा उसका नाम है वर्टेक्स। क्लियर, फोकस पैराबोला का एक्सिस और ये वर्टेक्स। अब हमारे पास आएगा लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या है ना, डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से जाता हुआ डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट मतलब ये एक्सिस पर हमारा परपेंडिकुलर और इस पार से उस पार, ये हमारा हुआ लेटस रेक्टम। इसका नाम है लेटस रेक्टम। ओके, तो हमारा पास डेफिनेशन हो गया, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, फोकस, वर्टेक्स और ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स और ये लेटस रेक्टम। क्लियर, अब हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला देखेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पहले है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसमें क्या है, इसमें x एक्सिस होता है एक्सिस ऑफ द पैराबोला, x एक्सिस को हम लोग रखते हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला और वर्टेक्स को रखते हैं ओरिजिन। ओके, वर्टेक्स हमारा ओरिजिन, इस तरह से बनता है पैराबोला और जिसमें वर्टेक्स है ओरिजिन, वर्टेक्स इज ओरिजिन और फोकस होता है कोई भी x एक्सिस पर रहेगा और ए जीरो, ये है फोकस, फोकस यहां पर होता है एक्सिस ऑफ द, एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होगा, x एक्सिस है, x एक्सिस दैट इज y जीरो लाइन, y जीरो लाइन और वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है ओरिजिन जीरो जीरो, फोकस क्या है,
फोकस एक्स एक्सिस पर लेंगे ए जीरो। अब हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा हमारा न मूव करेगा पैराबोला क्या है न लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस बराबर होगा। मतलब ये डिस्टेंस ए है तो ये भी ए और ये वाई एक्सिस के पैरेलल भी है तो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है और वाई एक्सिस के लेफ्ट तरफ है, यानी इसका इक्वेशन होगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा इज एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, ओके पैरेलल टू वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम वाई एक्सिस एंड लाइज इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में भी रहेगा ए डिस्टेंस पर रहेगा। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस ए यानी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं एक्सिस ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या है ना एक्सिस और पैराबोला में जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको वर्टेक्स कहेंगे, ये ओरिजिन ले लेते हैं, फोकस होगा ए जीरो और डायरेक्ट्रिक्स होगा एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। ये हमारा पैराबोला इस तरह का होगा, वाई स्क्वायर ये ओपन, वाई स्क्वायर इज फोर एक्स और ये ओपन क्या है इट ओपन्स ओपन्स राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में इसका मुंह होगा बोलेंगे या ओपन कर रहा है राइट हैंड साइड में, ओके ये हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन। इसी को अगर हम लोग माइनस फोर एक्स कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपन लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और फोकस हमारा ए जीरो के जगह माइनस ए जीरो हो जाएगा और इस तरह से हमारा क्या होगा माइनस ए जीरो वर्टेक्स सेम रहेगा और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा यानी एक्स इज इक्वल टू प्लस ए हो जाएगा और ये ओपन्स लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा अगर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो इसका हम लोग दो नंबर में हम लोग क्या कर देते हैं ना वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस फोर एक्स अगर है तो ये पैराबोला कैसे होगा ना इसका एक्सिस तो एक्स एक्सिस ही होगा, एक्सिस एक्स एक्सिस को एक्सिस ऑफ द पैराबोला और वर्टेक्स सेम रहेगा, वर्टेक्स हमारा ओरिजिन रहेगा और फोकस हमारा क्या होगा, फोकस जस्ट हम लोग इसको छोटा सा फिगर बना देते हैं, ये पैराबोला इस तरह हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस फोर एक्स और इसका फोकस हो जाएगा माइनस ए जीरो और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा एक्स इजकल टू प्लस ए, है ना फोकस हो जाएगा माइनस ए जीरो, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा हमारा इज एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, ओके और ये ओपन्स इट ओपन्स लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ओपन करेगा, ये मेरा वाई एक्सिस, ओके ये एक्स एक्सिस, एक्सिस हमारा वही एक्स एक्सिस होगा एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्स एक्सिस जिसको वाई इक्वल टू जीरो लाइन बोलते हैं और वर्टेक्स ओरिजिन ही होगा, वर्टेक्स ओरिजिन होगा, फोकस हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा और इसलिए माइनस ए जीरो और ये डायरेक्ट्रिक्स हमारा एक्स इक्वल टू प्लस है दैट इज एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो और ओपन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्लियर हो गया। ये हमारा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मुंह है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है, इसका नाम है वाई स्क्वायर इज माइनस फोर एक्स और इसका नाम होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस फोर एक्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि x के जगह y, y के जगह x अगर हम लोग इंटरचेंज कर देंगे, मतलब ये हमारा x एक्सिस तरफ है एक्सिस, अब y एक्सिस तरफ हो जाएगा, x के जगह पूरा y, y के जगह x हो जाएगा, ओके अब थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं कि अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड,
तब उसका इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स के जगह वाई, वाई के जगह हम लोग एक्स बैठाते हुए हम लोग ऐसा पैराबोला बनाएंगे जो कि अपवर्ड या डाउनवर्ड ओपन करेगा, ऐसा पैराबोला बन जाएगा। ओके, अब हम लोग तीसरा स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे पैराबोला, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, अपवर्ड अगर होगा तो क्या होगा ना, उसका इक्वेशन ग्राफ ऐसे होगा। अपवर्ड मीन्स इस तरह से ओपन करेगा, वर्टेक्स को ही ओरिजिन रखे, ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ओके, अपवर्ड है तो फोकस हमारा यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा मतलब ये पॉइंट होगा एक्स जीरो वाई ए, और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स हमारा सेम दूरी पर, एक डिस्टेंस पर, इसलिए इसका नाम होगा y इज इक्वल टू माइनस से नीचे तरफ। ठीक है, ओपन अपवर्ड, तो इसमें हमारा क्या होगा ना, इक्वेशन बन जाएगा x के जगह y, y के जगह x, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, ये हो जाएगा पैराबोला का इक्वेशन। इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इज द इक्वेशन ऑफ द, ओके। अब इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स हमारा सेम ओरिजिन रखे हैं, ओरिजिन वर्टेक्स। ओके, और फोकस क्या है, फोकस हमारा है जीरो ए, और डायरेक्ट्रिक्स क्या है ना, डायरेक्ट्रिक्स ठीक फोकस से डिस्टेंस पॉइंट का और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होगा, यानी वाई इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल टू माइनस से, दस दैट इज y प्लस a इक्वल टू जीरो। ओके, ये पर डायरेक्ट्रिक्स हो गया, एक्सिस डायरेक्ट्रिक्स फोकस, और पैराबोला का इक्वेशन ये रहा, और हमारा लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम सेम 4a होगा, लेटेस्ट रेक्टम ऐसा होगा, ये हमारा इसका लेंथ हो जाएगा एल एल डैश, एल एल डैश, लेटेस्ट रेक्टम इज, लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा का लेंथ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम 4a, और ये एल एल डैश, इसका इक्वेशन अगर देखेंगे तो इट्स इक्वेशन हो जाएगा, इट्स इक्वेशन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू प्लस ए। ओके, ठीक, पासिंग थ्रू फोकस एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। ओके, लेटेस्ट रेक्टम ये रहा, और ये ओपन्स अपवर्ड, और उसी का चार नंबर में हम लोग जब देखेंगे ओपन डाउनवर्ड्स पैराबोला, पैराबोला विच ओपन्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, तो क्या होगा इसका इक्वेशन, ये हमारा इस तरह से होगा, डायरेक्ट्रिक्स हमारा ये हो जाएगा जीरो माइनस ए। ओके, फोकस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस हमारा यहां पर क्या होगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हो जाएगा एक्सिस ऑफ द पैराबोला, अपवर्ड डाउनवर्ड में यहाँ भी हमारा एक्सिस हो जाएगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइन, एक्स इज इक्वल टू जीरो लाइन। ओके, और वर्टेक्स क्या है ना, वर्टेक्स यहाँ भी जीरो जीरो, इसका इक्वेशन क्या होगा ना, इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए वाई, ये हमारा इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बन जाएगा। और इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा,
ना डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू माइनस ए है, यहाँ पर वाई इज इक्वल टू प्लस है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स ओके, एक्सिस ऑफ द पैराबोला वाई एक्सिस, फोकस हो गया हमारा जीरो माइनस ए, फोकस हो गया जीरो माइनस ए, फोकस जीरो माइनस ए, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स हो गया, इक्वेशन हो गया, और क्या चाहिए अब हमारे पास, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम तो सेम, ये हमारा पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स होगा, और इसलिए ये हो जाएगा एल एल एस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम कहलाएगा, लेटस रेक्टम, और इसका लेंथ हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रेक्टम इज 4, ओके, ये हमारा एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 4ay और एक्स स्क्वायर इजकल टू प्लस 4ay, अपवर्ड खुलेगा, और एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 4ay, डाउनवर्ड खुलेगा, और इस तरह से फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस और लेटस रेक्टम, ये सभी हम लोग इजीली क्लियर हो जाएगा। ये सभी में लेटस रेक्टम का लेंथ 4a होता है, जहाँ पर a कोई भी नंबर से, कोई भी रियल नंबर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वेशन देख के हम आराम से पता लगाएंगे ए क्या है, अगर एक्स स्क्वायर इजकल टू 8y है, एक्स स्क्वायर इज 8y, यानी ए के जगह 2 बैठा है, ए के जगह पर 3 बैठाएंगे तो एक्स स्क्वायर इज 12y, इस तरह से हम लोग पैराबोला 4 स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग इजीली देख सकते हैं, और इस 4 स्टैंडर्ड फॉर्म को और हम लोग देखते हैं कि अगर वर्टेक्स ओरिजिन नहीं हो के और कुछ अल्फा बीटा या कुछ हो, लेकिन एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल हो, और अपवर्ड हो, अपवर्ड ओपन करे या डाउनवर्ड ओपन करे, या हमारा लेफ्ट वर्ड ओपन करे या राइट वर्ड, ये हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे व्हेन वर्टेक्स इज ए पॉइंट एच के, ठीक है, वर्टेक्स हमारा एच के होगा और एक्सिस होगा, एक्सिस इज द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको हम लोग देखेंगे। मतलब हम लोग जब देखते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जब एक्स एक्सिस होगा एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर इज 4ax, जहाँ पर वर्टेक्स है 0 0, एक्स एक्सिस हो गया एक्सिस ऑफ द पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स हो गया हमारा ये फोकस हो गया ए 0, और डायरेक्ट्रिक्स हो गया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ओके। अब इसी में अगर हमारा इक्वेशन होगा क्या ना y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एच, यानी x के जगह पर x माइनस एच, y के जगह पर y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम लोग y माइनस के जगह पर y बैठा देंगे, x माइनस एच के जगह पर x बैठा देंगे, तो ये बन जाएगा द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बिकम्स वाई स्क्वायर इज 4ax, और इसको देखकर हम लोग देखेंगे क्या ना वर्टेक्स क्या होना चाहिए, वर्टेक्स होगा एक्स जीरो, जहां पर होगा एक्स जीरो वाई जीरो, यानी एक्स जीरो मतलब एक्स का वैल्यू हो जाएगा एक्स माइनस एच जीरो, वाई माइनस के जीरो, यानी वर्टेक्स हो जाएगा तब वर्टेक्स हो जाएगा एच के, ओके, तब वर्टेक्स हो जाएगा एच के, एकदम इसी को देखकर हम लोग इसको और इसको, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा क्या होता है, जीरो जीरो होता है, यानी एक्स जहाँ जीरो बनेगा वाई जहाँ जीरो बनेगा, यानी एक्स का वैल्यू एच, एक्स कोऑर्डिनेट एच होगा, वाई कोऑर्डिनेट के हो जाएगा,
यानी ये हमारा जीरो जीरो नहीं होके अपार्टेक्स हो जाएगा, एच के हो जाएगा। ओके, अब फोकस, फोकस क्या है ना, एक्स कोऑर्डिनेट है ए, यानी एक्स के जगह पर कैपिटल एक्स इजकल टू ए बैठा देंगे, यानी कैपिटल एक्स क्या है ना, एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच इजकल टू ए, यानी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एच। ओके, यानी यहाँ पर हो जाएगा फोकस हो जाएगा हमारा ए प्लस एच और जीरो, वाई जीरो, वाई जीरो मतलब, वाई जीरो मतलब हो जाएगा वाई माइनस के इज जीरो, यानी वाई इज इक्वल टू के, यानी हमारा ये हो जाएगा फोकस। फोकस हम लोग इस तरह से निकालेंगे, फोकस हमारा हो जाएगा ए प्लस एच और के, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब एक्सिस ऑफ द पैराबोला क्या होता है ना, एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस जहाँ पर हमारा वाई जीरो होता है, तो एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो जाएगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला होता है, इस इक्वेशन का देखने से हमारा क्या होता है ना, एक्स एक्सिस दैट इज वाई जीरो, वाई जीरो लाइन, वाई इज इक्वल टू जीरो लाइन मीन्स क्या होगा, दैट इज वाई माइनस के इक्वल टू जीरो, यानी हो जाएगा वाई इज इक्वल टू के, वाई इज इक्वल टू के लाइन हो जाएगा हमारा एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो जाएगा। तो एक्सिस भी निकाल लिए, फोकस निकाल लिए, फोकस ए जीरो अब नहीं रहा, ए प्लस एच के हो जाएगा। अब हमारा डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अगर ये रहता इक्वेशन, तो हमारा डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ये डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो एक्स के जगह पर यहाँ कैपिटल एक्स बैठा देंगे, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो कैपिटल एक्स माने हो गया एक्स माइनस एच इज इक्वल टू माइनस ए, यानी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एच माइनस ए, ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स। द डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू एच माइनस ए। ओके, डायरेक्ट्रिक्स निकल गया। अब हमारा ये लाइन जो है वाई एक्सिस जिसको कहते हैं, माने टेंजेंट एट ओरिजिन, ये तो वाई एक्सिस होता है, ये क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा ना, इसका नाम एक्स जीरो लाइन होता है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो कैपिटल एक्स कर देंगे, तो कैपिटल एक्स मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच इक्वल टू जीरो, यानी इस लाइन का नाम हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए। ओके, टेंजेंट एट, टेंजेंट लाइन, टेंजेंट एट ओरिजिन, ओरिजिन क्या होगा नहीं हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एच लाइन, और एक्सिस क्या हो गया ना, एक्सिस ऑफ द पैराबोला हो जाएगा, पैराबोला हो गया वाई इज इक्वल टू के लाइन। ओके, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अब लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम हमारा डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, तो इसलिए फोकस से जाता हुआ ये लाइन, ये लाइन का लेंथ हरदम हमारा 4a होता है, ये x का कोएफिशिएंट, यहाँ भी हमारा x का कोएफिशिएंट 4a, तो लेंथ हमारा चेंज नहीं होगा, लेंथ हमारा वही रहेगा, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, इसको इसको लेटेस्ट रेक्टम बोलेंगे, लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, रेक्टम हो जाएगा 4a। ओके, लेटेस्ट रेक्टम निकल गया। और उसके बाद अगर एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है, एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब ये पॉइंट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट तो हरदम के, वाई कोऑर्डिनेट के है, तो यहाँ पर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ए प्लस एच होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, इसका भी सेम रहेगा ए प्लस एच, और वाई का वैल्यू क्या होगा ना, इस इक्वेशन में ये कर्व का इक्वेशन क्या है ना, इक्वेशन भी तो बदल गया, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, तो हम लोग क्या करेंगे ना, a प्लस एच बैठा देंगे x के जगह पर, तो a प्लस एच माइनस एच, तो 4a स्क्वायर
तो ये हो जाएगा के प्लस टू ए, और यहाँ पर हो जाएगा के माइनस टू ए, के माइनस टू ए, ओके। वाई माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस टू ए, देन वाई इज इक्वल टू के प्लस टू ए एंड के माइनस टू ए। तो ये लेंथ क्या हो गया, टू ए टू ए, दैट इज लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम फोर ए हो जाएगा, क्लियर। क्या कि ये k है और प्लस टू ए, के प्लस टू ए, तो ये लेंथ टू ए टू ए, तो लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम फोर ए हो गया। तो इक्वेशन अगर इस तरह रहे, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए होल इन टू एक्स माइनस एच, तो y माइनस के को y, x माइनस एच को x बैठाते हुए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, और इसको देखते हुए हम लोग फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स सब निकालते जाएंगे, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ये पैराबोला कब बनता है, ये हमारा जनरल इक्वेशन इस तरह से होता है, प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जो कि पैराबोला तभी बनेगा जब सेकेंड डिग्री टर्म्स, ये सेकेंड डिग्री टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो ही ये पैराबोला का इक्वेशन बनता है। और ये परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होगा ना, यहाँ पर होगा 2ab, दैट इज रूट ए रूट बी, रूट ए बी एच इज इक्वल टू होगा रूट ए इंटू रूट बी, दैट इज एच स्क्वायर इजकल टू ए बी, अगर होगा ए बी अगर होगा इफ एच इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, दैट इज एच स्क्वायर इजकल टू ए बी, तो हम लोग आराम से बोल सकते हैं देन दिस इक्वेशन फॉर्म ए पैराबोला, ओके, थैंक यू।